हेलो फ्रेंड्स, तो बिहार आईटीआई के जितने भी छात्र हैं आपके लिए फ्रेंड्स बहुत ही बड़ा खुशखबरी यहां पे आया है। अब सबसे पहले यहां पर डाउनलोड वाले सेक्शन में देख सकते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स। यहां पे लिखा हुआ है कि सीट मैट्रिक्स ऑफ आईटीआई सीईटी 2022। कहने का मतलब फ्रेंड्स 6 तारीख को ही सीट मैट्रिक्स जारी होना था, लेकिन आज 7 तारीख है और आज आपका सीट मैट्रिक्स जारी हो गया है। तो सीट मैट्रिक्स क्या होता है और इसको कैसे समझा जाता है, यह आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है, आज के इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाले हैं और आप हर चीज़ समझ जाइएगा। सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन है सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं, ठीक है, चलिए आपसे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स एक PDF ओपन आपके मोबाइल में हो जाएगा, तो इस पर क्लिक ऐसे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरा यहाँ पर नेट थोड़ा सा ऑफ, इसको ऑन करके हम लोग क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे यह जो है फ्रेंड्स आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है, सीट मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इसको कैसे समझना है ध्यान से सुनिएगा आप सभी, ठीक है। इसको आप क्या कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स ट्रेड सेशन जो है 22-23 या 22-24। कहने का मतलब आईटीआई का कोई जो होता है फ्रेंड्स 1 साल का होता है कोई कोर्स, और कोई कोई कोर्स जो होता है वो 2 साल का होता है, इसलिए 22-23 और 22-24 यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले बात यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ सीट्स, कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ सीट्स। यहाँ पे जनरल के लिए है, यहाँ पे SC है, यहाँ पे ST है, EBC है, BC है, RCG है, EWS है, और उसके बाद यहाँ पे टोटल दिखाया गया है। उसके बाद जो है SMQ, ठीक है, SMQ सर्विसमैन कोटा, जिनके घर जो है आर्मी मतलब सैनिकों निक होते हैं उनको जो है स्पेशल जो है छूट दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है इंक्लूड इन टोटल, यहाँ पर जो है टोटल आपको दिखा देगा, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग आगे दिखाते हैं आपको कैसे इसको समझना है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब अपने मोबाइल में फ्रेंड थोड़ा सा क्वालिटी को अच्छा कर लीजिएगा ताकि जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है फ्रेंड्स ईस्ट में रहेगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम इसमें रहेगा, ट्रेड का नाम फ्रेंड्स इसमें रहेगा, ठीक है। और ये NCVT है या SCVT है, इसको आप मुझे ज़्यादा समझने का जरूरत नहीं है, इस पर वीडियो बना देंगे। NCVT यहाँ पे अक्सर रहता है, ठीक है। यहाँ पे ड्यूरेशन रहेगा कोर्स, कोर्स कितना साल का है, तो लगभग कोर्स जो है 2 साल का यहाँ पे कोर्स है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जनरल है, SC है, ST, जनरल SC ST, EBC, BC, RCG, EWS और यहाँ पर टोटल दिखा देगा। अभी आपको डिटेल में समझाने वाला है, घबराइएगा मत, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक कॉलेज है, पटना में एक कॉलेज यहाँ पे दिया गया है, आईटीआई दीघा घाट पटना, आईटीआई दीघा घाट पटना में एक कॉलेज है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप ध्यान समझिएगा, तो आईटीआई दीघा घाट पटना में यहाँ पे ट्रेड देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए कितना सीट है फ्रेंड्स, जनरल के लिए 46 सीट है, ध्यान से सुनिएगा। इसके सामने, इसके जस्ट सामने देखिए यहाँ पे है फ्रेंड दीघा घाट पटना एक कॉलेज है, तो इसके सामने देख सकते हैं जनरल के लिए कितना सीट है, 46 सीट है। SC के लिए इसमें कितना सीट है, 18 सीट है। ST के लिए 1 है, EBC के लिए कैसे, BC के लिए 14 है, RCG के लिए 3 है, EWS कैटेगरी वालों के लिए 11 सीट है। टोटल यहाँ पर कितना सीट है, 114 सीट है। कहने का मतलब फ्रेंड टोटल जो है 114 सीट है। तो कैसा टोटल, इलेक्ट्रीशियन का टोटल, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन का टोटल जो है दीघा घाट पटना में 114 सीट है, ठीक है, ऐसे समझना आपको, ठीक है। देखिए सबका फ्रेंड्स यहाँ पे अलग अलग है, थोड़ा सा और समझ लीजिए। अगर आपको फीटर का चेक करना है दीघा घाट पटना में, तो फीटर का सामने ऐसे ले जाइए, यहाँ पे फीटर देख लीजिए। अगर आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी में देख लीजिए, ठीक है। जनरल के लिए कितना, 46 सीट है, SC के लिए 19 है, इसी तरह से EBC के लिए 20 सीट है। टोटल कितना सीट है, 114 सीट है। इलेक्ट्रीशियन में भी 14 सीट और फीटर में भी, सॉरी 114 सीट और फीटर में भी 14 सीट है, ठीक है। और दूसरा को हम लोग समझते हैं, आप ऐसे ही फ्रेंड देख सकते हैं बहुत तरह का इसमें जो होता है बहुत तरह का ट्रेड होता है, जैसे वेल्डर हो गया, मैकेनिक डीजल हो गया, मैकेनिक ट्रैक्टर, ठीक है, प्लम्बर वगैरह हो गया, सर्वेयर हो गया, बहुत तरह का इसमें फ्रेंड्स होता है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे कोई कोई जो होता है फ्रेंड्स 1 साल का है, कोई 1 साल का, कोई 2 साल का, यहाँ पे आईटीआई का ट्रेड होता है। एक आपको समझा दिया, ठीक है, आईटीआई दीघा घाट का पटना का फ्रेंड्स यहाँ तक आपको दिया गया, यहाँ तक। तो यहाँ तक अगर आप टोटल देखना चाहते हैं कितना सीट है, देख लीजिए जनरल के लिए आईटीआई में फ्रेंड्स टोटल, मतलब कहने का मतलब है इलेक्ट्रीशियन मिला लीजिए, फिटर मिला लीजिए, सर्वेयर, वेल्डर, जो भी, सबको मिलाकर जनरल के लिए टोटल कितना सीट हो गया यहाँ पे, तो टोटल जो सीट हो गया फ्रेंड 424 सीट हो गया। SC के लिए 170 सीट हो गया, ST के लिए 10 सीट हो गया, EBC के लिए 191। टोटल कितना सीट है फ्रेंड्स, 1060 सीट है, किसमें, दीघा घाट पटना वाले में। तो काउंसलिंग में अगर आपका खराब रैंक आ गया, अगर आपका अच्छा रैंक नहीं है, तब कैसे काउंसलिंग करना है, ध्यान से सुनिएगा आप इस चीज़ को, ठीक है, ध्यान से सुनिए। मेरा नंबर फ्रेंड्स 92 62 77
92 62 71 21 05 पर अगर आप क्या करते हैं, इस पर अभी बुकिंग चल रहा है आपका। 10 तारीख से फ्रेंड्स काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया। हम फ्रेंड्स आप सभी का काउंसलिंग कर रहे हैं। अगर आप भी हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ चार्ज आपको जो है देना पड़ेगा, कुछ पैसा लगेगा आपको। व्हाट्सएप पर बता दें कितना पैसा लग रहा है, ठीक है। 92 62 71 21 05 पर देखिए हमसे काउंसलिंग करवाने का फ़ायदा क्या रहेगा। फायदा सबसे पहले सुन लीजिए, आप जो फ्रेंड जाएंगे किसी साइबर कैफे दुकानदार के पास, उसको फ्रेंड पता नहीं होता है कि कितना, मान लीजिए यहाँ पे पटना डिस्ट्रिक्ट, गया डिस्ट्रिक्ट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का उसको खुद पता नहीं होता कितना सीट है, किस ट्रेड को हमें ऊपर रखना चाहिए, कहाँ पे कौन सा कॉलेज रहेगा, उसको फ्रेंड्स ये सब नॉलेज नहीं रहता है। ऐसे में अगर आपका अच्छा भी रैंक है, अगर आपका अच्छा रैंक भी है ना, तो आपको कॉलेज नहीं मिल पाता है। वजह क्या है, काउंसलिंग अच्छा से आपको नहीं हो पाता, इसीलिए आपको काउंसलिंग मतलब जो है कोई भी कॉलेज नहीं मिल पाता, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से काउंसलिंग करना है, ठीक है। एक कॉलेज और हम समझा देते आपको ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर कोई भी समझा देते फ्रेंड्स, जैसे कौन सा सारण हम समझा देते हैं, सारण, ठीक है। तो चलिए सारण फ्रेंड्स मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट होता है, एक ITS सोनपुर सारण कॉलेज है। तो इसमें फ्रेंड्स इलेक्ट्रीशियन के लिए कितना सीट है, तो यहाँ पे देख लीजिए, मिला लीजिए सामने करके फ्रेंड्स मिला लीजिएगा। जनरल के लिए कितना सीट है, ST के लिए कितना सीट है, देखिए जनरल के लिए फ्रेंड्स मान लीजिए यहाँ पे कोई ITI सारण में टोटल कितना सीट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल के लिए फ्रेंड्स 388 सीट है, SC के लिए 162 सीट है, SC के लिए 11 है, इसी तरह से टोटल जो आपका 999 सीट है सारण में। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको क्या करना है, मिला लेना है। और ये डाउनलोड कहाँ से होगा, तो ये डाउनलोड हो जाएगा आपके जो वहाँ पे ऑफिशियल जो वेबसाइट है, उसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ पे सीट मैट्रिक्स पे क्लिक कीजिएगा और ये आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।